नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। जी हां दोस्तों, आयकर विभाग की तरफ से निकाली गई लेटेस्ट वैकेंसीज की अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से काफी अच्छी खासी वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, जिनके लिए आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लेक्चर जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहां पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, एंड आपको यहां पर मंथ पे स्किल कितना प्रोवाइड किया जाएगा, इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लेक्चर जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं यहां पर वैकेंसीज के ओवरव्यू के बारे में या फिर वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो देखिए, यहां से आप इजीली चेक कर सकते हैं जो वैकेंसीज यहां पर रखी गई हैं, इनके लिए आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 24 मार्च 2023 तक सबमिट कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2023 की एग्जाम समरी के बारे में बात कर लें तो आपका कंडक्टिंग बॉडी जो रहेगा वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रहेगा, एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपकी इन वैकेंसीज को ऑर्गेनाइज करवाएगा। पोस्ट नेम के बारे में बात कर लें तो इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। टोटल वैकेंसीज आपकी 71 वैकेंसी रखी गई है, एंड गवर्नमेंट जॉब आपके यहां पर रहने वाली है, एंड आप इन भर्तियों के लिए ऑफलाइन आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके 6 फरवरी 2023 से 24 मार्च 2023 तक होने वाले हैं, मतलब कि 24 मार्च 2023 आप सभी के लिए लास्ट डेट रखी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस आपका प्रेफरेंस बेस्ड रहेगा, एंड ऑफिशियल वेबसाइट आपकी incometaxbengaluru.org रहेगी, जिस पर जाकर के आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन के बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक देखने को मिल जाएगा, यहां से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इंपोर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो आपका नोटिफिकेशन 6 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था, एंड 6 फरवरी 2023 से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे। 24 मार्च 2023 आप सभी के लिए लास्ट डेट यहां पर रखी जाएगी, एंड एग्जाम डेट और रिजल्ट से संबंधित सारी अपडेट आपको हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। सो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात करते हैं यहां पर वैकेंसीज की अपडेट के बारे में, तो देखिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आपके लिए टोटल 10 वैकेंसीज हैं, टैक्स असिस्टेंट के लिए 32 एंड एमटीएस पोस्ट के लिए टोटल 29 वैकेंसीज रखी गई हैं। सो काफी अच्छी खासी वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लें कि आपको यहां पर कितने रुपए एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी, तो देखिए अगर आप जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपए एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी। साथ ही में वुमेन, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड एक्सेसमैन कैंडिडेट को यहां पर कोई भी एप्लीकेशन फीस सबमिट करवाने की जरूरत नहीं होगी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों हाउ टू अप्लाई के बारे में, किस तरीके से आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इजीली सबमिट कर पाएंगे। अगर आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके लिए जल्दी से एक नई वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के बटन को जरूर दबा लेना है, ताकि जब भी मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बात करते हैं इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2023 के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो देखिए यहां से आप सिलेक्शन प्रोसेस इजीली चेक कर सकते हैं। आप अपना फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, इस तरीके से आपका प्रेफरेंस बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में रीड कर सकते हैं। यहां पर अगर मैं आपको बताऊंगा तो थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए मैं आपको यहां पर नहीं बता रहा हूं। आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक नीचे से डाउनलोड करके सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बारे में बात कर लें तो देखिए यहां से आप इजिली चेक कर सकते हैं, आपका इंडियन नेशनलिटी वाले कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर पाएंगे। एज लिमिट के बारे में बात कर लें तो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स पोस्ट के लिए मैक्सिमम 30 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। टैक्स असिस्टेंट पद के लिए 18 से 27 एंड एमटीएस पद के लिए भी 18 से 27 साल तक के कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। इसी के साथ में एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की एंड ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एज में छूट देखने को मिल जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री वाले कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। टैक्स असिस्टेंट पद के लिए भी बैचलर डिग्री वाले कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे, एंड एमटीएस पोस्ट के लिए 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, चाहे आपने किसी भी बोर्ड, किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से अपना क्वालिफिकेशन को कंप्लीट किया हो। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात के लिए तो आपका एक पेपर यहां पर तैयार जो है कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि 250 नंबर का कंडक्ट करवाया जाएगा। बात करते हैं यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में, तो देखिए आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन 60 नंबर के पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन 60 नंबर के पूछे जाएंगे। इसी के साथ में इंग्लिश लैंग्वेज से आपके 30 क्वेश्चन 60 नंबर के यहां पर रहने वाले, एंड कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के भी आपके 10 क्वेश्चन 20 नंबर के रहेंगे। सो ये आपका कुछ एग्जाम पैटर्न रहेगा। एंड इसी के साथ में सैलरी के बारे में बात करें तो आपको यहां पर सैलरी
सैलरी काफी अच्छी खासी मिलने वाली है। टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आपको लेवल 7 से सैलरी दी जाएगी, 44,900 रुपए से 142,400 रुपए तक सैलरी आपके यहाँ पर बनने वाली है। एंड टैक्स असिस्टेंट पद के लिए लेवल 4 से सैलरी दी जाएगी, 25,500 से 81,100 रुपए तक आपको सैलरी मिलने वाली है। एंड एमटीएस पोस्ट के लिए लेवल 1 से आपको सैलरी दी जाएगी, 18,000 से 56,900 रुपए तक आपको काफी अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस भर्ती से संबंधित सारी के सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी। वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।